नमस्कार, बॉलीवुड की चटपटी खबरों में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शिवांगी शुक्ला। आज मैं लेकर आई हूं आपके लिए ढेर सारी बॉलीवुड की चटपटी खबरें। चलिए शुरुआत करते हैं। वेल, 90 के दशक के पावर कपल कहे जाने वाले एक्टर अक्षय कुमार और रवीना टंडन एक बार फिर साथ दिखने वाले हैं। बड़े पर्दे पर अपनी केमिस्ट्री से सभी का दिल जीतने वाले दोनों की चर्चा काफी लंबे समय से होती रही है। रियल लाइफ में दोनों की जोड़ी को काफी पसंद किया जाता था। दोनों की सगाई तक हो चुकी थी, लेकिन शादी से पहले ही खटास आ गई और दोनों अलग हो गए। फिलहाल दोनों अपनी अपनी लाइफ में अभी सेटल हैं। इसी बीच खबर आ रही है कि एक बार फिर से लंबे ब्रेक के बाद अक्षय रवीना एक दूसरे के साथ बड़े पर्दे पर दिखने वाले हैं। खबरों की माने तो करीब दो दशक के बाद बड़े पर्दे पर कमबैक करने की खबरें सामने आ रही हैं। दोनों वेलकम 3 में साथ नजर आ सकते हैं और फिल्म का टाइटल वेलकम टू द जंगल हो सकता है। बताया जा रहा है फिल्म में अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और जैकलिन फर्नांडिस लीड रोल में नजर आएंगी। हालांकि फिल्म को लेकर ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है। बता दें, हाल ही में इन दोनों को 25 साल बाद देखा गया है। कुछ महीने पहले ही रवीना ने फिल्म मोहरा के सॉन्ग टिप टिप बरसा पानी को लेकर एक बात दोहराई थी और बातें करते नजर आई थी। उन्होंने कहा, साल 1994 में रिलीज हुई रवीना टंडन की मोहरा उस जमाने की हिट फिल्मों में से एक है, बल्कि इस फिल्म को लेकर लोग आज भी देखना उसे पसंद करते हैं। फिल्म में रवीना के अपोजिट अक्षय कुमार लीड रोल में थे। फिल्म में दोनों के बीच जबरदस्त केमिस्ट्री देखने को मिली थी, खासतौर पर टिप टिप बरसा पानी में तो आग लगा दिया था। फिल्म की शूटिंग को लेकर रवीना ने कुछ शर्तें रखी थी। रवीना ने कहा, सेंसुअलिटी और सेक्सुअलिटी में अंतर होता है। मैंने पहले भी सेंसुअस सॉन्ग किए थे, लेकिन उनमें कुछ भी ओवर नहीं था। इस गाने में कुछ बातों को लेकर मैं बहुत क्लियर थी। मैं अपनी साड़ी नहीं उतारूंगी, कोई किसिंग सीन नहीं करूंगी। इसके अलावा भी एक्ट्रेस की कई चेकलिस्ट थी। जब मेकर्स उनके शर्तों को मानने के लिए तैयार हुए, तब जाकर एक्ट्रेस ने ये गाना शूट किया था। ऐसा ही कुछ शर्त रवीना फिर रख सकती हैं, अगर वो वेलकम 3 का हिस्सा बनती हैं। ब्रह्मास के बाद बॉलीवुड के एडोरेबल कपल कहे जाने वाले रणवीर और आलिया को देखने के लिए काफी एक्साइटमेंट हुए उनके दर्शक बैठे हैं, लेकिन फैंस के लिए मायूस कर देने वाली खबर सामने आई है। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ऐसा कहा जा रहा है कि फिल्म रामायण से आलिया भट्ट खुद बाहर हो गई हैं। आलिया अपने पति रणवीर के साथ काम करने के लिए काफी एक्साइटेड थी, लेकिन उन्होंने अब फिल्म को अलविदा कह दिया है। आलिया इस फिल्म से आउट हो गई हैं, लेकिन रणवीर कपूर अभी भी इस फिल्म का हिस्सा हैं और वो फिल्म में भगवान राम का किरदार निभाते नजर आएंगे। डायरेक्टर नितेश तिवारी ने फिल्म रामायण में डेट्स इशू के चलते आलिया भट्ट अब माता सीता का रोल नहीं करेंगी। रामायण एक बड़ी फिल्म है और इसके प्री प्रोडक्शन में काफी समय लगेगा, क्योंकि पर्दे पर छोटी से छोटी डिटेल भी सही और अच्छी जानी चाहिए। इस तरह से काम धीरे धीरे हो रहा है और समय भी लग रहा है। वही रिपोर्ट्स में बताया गया कि फिल्म रामायण में रणवीर कपूर भगवान राम के रोल में नजर आएंगे, लेकिन फिल्म की शूटिंग में देरी होने के चलते आलिया भट्ट फिल्म का हिस्सा नहीं होंगी। फिल्म रामायण में साउथ स्टार यश रावण का किरदार निभाएंगे। देखने वाली बात होगी कि रामायण फिल्म में सीता का किरदार आखिर कौन निभाएगा। खबरें हैं कि मेकर्स 2024 में फिल्म की शूटिंग शुरू कर सकते हैं। आलिया भट्ट की वर्क फ्रंट की बात करें तो जुलाई में रिलीज हुई फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में रणवीर सिंह के साथ नजर आई थी। अब आलिया भट्ट की पाइपलाइन में डायरेक्टर फरहान अख्तर की फिल्म जीले जरा है। आलिया भट्ट को पर्दे पर देखने के लिए उनके फैंस काफी एक्साइटेड हैं। बॉलीवुड क्वीन कंगना रनौत और करण जौहर की दुश्मनी खत्म होती नजर आ रही है। कई सालों से चल रही तनातनी के बीच करण जौहर ने कुछ ऐसा कह दिया है जिससे आप सुनकर चौंक जाएंगे। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत और करण जौहर के बीच का झगड़ा पूरी फिल्म इंडस्ट्री में मशहूर है। कंगना ने करण के शो पर जाकर नेपोटिज्म का आरोप लगाकर उन्हें मूवी माफिया बताया था। वहीं करण भी कंगना पर कई इंटरव्यू के दौरान हमला बोलते दिखे थे। हाल ही में कुछ ऐसा हुआ है जिसके बाद मालूम होता है कि करण और कंगना के बीच चीजें ठीक हो सकती है, यानी दोनों का फाइनली पैचअप हो सकता है। और यही नहीं, दोनों एक साथ फिल्म भी कर सकते हैं। करण जौहर इन दिनों अपनी लेटेस्ट रिलीज रॉकी और रानी की प्रेम कहानी की सक्सेस एंजॉय कर रहे हैं। इसी बीच उन्होंने कंगना की आने वाली फिल्म इमरजेंसी पर हैरान कर देने वाला बयान दिया है। उन्होंने कहा कि वह कंगना की इमरजेंसी फिल्म को देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हैं। आपको बता दें, कंगना की ये फिल्म 24 नवंबर 2023 को रिलीज होगी। करण ने एक तरह से ऐलान कर दिया है कि वो कंगना की फिल्म देखेंगे और उसे सपोर्ट भी करेंगे। ये पहली बार है जब करण ने कंगना के बारे में कोई बात कही है और वो पॉजिटिव है।
इस बयान के बाद ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि कंगना और करण के बीच चीजें ठीक हो सकती है। हालांकि कंगना की ओर से इस बारे में कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। बता दें, कंगना रनौत ने एक वक्त पर करण जौहर के चैट शो कॉफी विद करण पर जाकर उन्हें मूवी माफिया कहा था और उन पर नेपोटिज्म फैलाने का आरोप लगाया था। ये मुद्दा इतना बड़ा हो गया कि इससे न सिर्फ करण और कंगना के बीच झगड़ा हुआ बल्कि पूरे इंडस्ट्री में एक बहस से छिड़ गई थी। कंगना अक्सर नेपोटिज्म का विरोध करती नजर आती हैं। बता दें, हाल ही में कंगना मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट हुई हैं। उन्होंने चंद्रयान 3 को लेकर बधाई भी दी है। आप भी देखिए यह वीडियो। हाय कंगना जी, ग्रेट ग्रेट गुड मॉर्निंग। मैं चंद्रयान की आपसे पूछना चाहता हूं, खुशी हो रही है चंद्रयान के लिए? यस यस, बस बस, हम आपको पूछने वाले थे। और हमारे जो देश चंद्रयान 3 के चांद पर पहुंचने का जश्न मना रहा है। कोई सोशल मीडिया पर बधाई दे रहा है, कोई कविता लिख रहा है। वहीं अब कैलाश खेर ने चंद्रयान 3 पर गाना बना दिया है। दिग्गज सिंगर कैलाश खेर चंद्रयान 3 के लिए एक गाना डेडिकेट कर रहे हैं जिस पर वह काम कर रहे हैं। कैलाश खेर इंडस्ट्री के एक जाने माने सिंगर हैं जिन्होंने कई सदाबहार गानों को अपनी आवाज दी है। अब उन्होंने चंद्रयान 3 मिशन के पूरे होने की खुशी एक गाने के चलते बताई है। चलो चीख करे चांद की सवारी गाने का ऑडियो लगभग तैयार हो चुका है। हम जल्द ही वीडियो पर काम शुरू करेंगे। मैं इसे जल्द ही रिलीज करने का प्लान कर रहा हूं, ऐसा कैलाश खेर ने कहा है। यह गाना चंद्रयान 3 की कामयाबी, इसरो के सभी साइंटिस्ट, हमारे प्रधानमंत्री और इस मिशन के साथ जुड़े हर किसी के लिए डेडिकेट होगा। कैलाश खेर को तेरी दीवानी, कौन है वो और चांद सिफारिश गानों के लिए जाना जाता है। ऐसे ही बॉलीवुड की चटपटी खबरों के साथ हम आते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे। हमारे चैनल पर बने रहें, हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।